Good morning, student. DSE first year. Welcome all the student in your online class. जैसे कि आज आपको पता है, हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं. ये हमारा नया साल 2021 स्टार्ट हो चुका है और मैं अपने सभी स्टूडेंट को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि ये वर्ष आप सभी के लिए बहुत ही खुशहाली लेकर आए और आप अपने जीवन में आगे बढ़े. मैं ज्योति, आपकी जूलॉजी की प्रोफेसर, हम हमारी जो पढ़ रहे हैं जूलॉजी में पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जो कि है हमारा प्राणी विविधता है, उद्विकास, या जिसको हम कहते हैं एनिमल डायवर्सिटी एंड एवोल्यूशन. इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है हमारा अडेप्टेशन या अनुकूलन, यानी कि जीव जैसे जैसे क्या करता है, जिस तरीके से वातावरण में रहता है, यानी कि जिस तरीके एटमॉस्फेयर में है, उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं जो उसको उस एनवायरनमेंट में सुटेबल बनाते हैं. तो हमने इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो बात करी थी उसमें हमने देखा था कि हमने फर्स्टली जो पढ़े थे संरचनात्मक अनुकूलन पढ़े, फिर हमने कार्यकीय अनुकूलन पढ़े, देन हमने जो पढ़े थे वो आए थे हम हमारे प्रोडक्टिव अडेप्टेशन या रक्षी अनुकूलन पर. तो जब हम रक्षी अनुकूलन की बात करते हैं तो ये वो संरचनाएं होती हैं जिनके द्वारा, या वो क्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा जीव अपनी सुरक्षा करता है या दूसरे से अपना बचाव करता है. तो इसमें हमने देखा था कि एक जो टॉपिक आता है वो हमारा कलरेशन यानी कि रंजन, और सेकेंड जो आता है वो आता है अनुकरण या मिमिक्री. तो हमने रंजन के बहुत सारे टाइप्स देखे कि किस तरीके से कुछ जीवों के शरीर में कलर का पाया जाना, यानी कि उनकी बॉडी का कलर ही ऐसा होता है जिससे वो क्या करते हैं, दूसरे को अपने कली शरीर के रंग में परिवर्तित करते हैं और वो क्या होता है, भय का सूचक होता है या वो उससे अपनी प्रोटेक्शन करते हैं. सेकेंडली अगर हम बात करते हैं वो आता है हमारा मिमिक्री. तो हमारा आज का जो टॉपिक आएगा प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन में वो आता है हमारा मिमिक्री या अनुकरण, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, एक तरीके से किसी की नकल करना, यानी कि साउंड ट्रीट भी कर सकते हैं किसी के जैसे अपने आप को चेंज करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिमिक्री कहते हैं. तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, अनुकरण या मिमिक्री. सजीव व निर्जीव प्राणियों से अत्यधिक मिलते जुलते हैं. अतः जीव अपनी रक्षा के लिए या शिकार को पकड़ने के लिए
हैं दिखावट, आकृति का रंग, आकृति व रंग, भिन्न भिन्न कुलों के सदस्यों के बीच बाह्य दिखावट, आकृति व रंग की समानता को व रंग की समानता को अनुहरण कहते हैं। रंग की समानता को अनुहरण कहते हैं। तथा अनुहरण करने वाला प्राणी रक्षी अनुकरण, रक्षी अनुकरण, सेकंड है आक्रामक अनुकरण। रक्षी अनुकरण सेकंड आता है आक्रामक अनुकरण। हेडिंग आएंगे मिमिक्री, हेडिंग क्या है मिमिक्री लिखेंगे। मिमिक्री इज द सुपरफिशियल, मिमिक्री मिमिक्री इज द सुपरफिशियल, मिमिक्री इज द सुपर but close resemblance animate object in form.
This helped the organist for this. Mimicry can be classified
ऑर्गेनिज या तो उसकी बॉडी सिमिलरिटीज होगी, यानी उसकी बॉडी का कलर कैसा होगा, सिंपल सिमिलर होगा, ठीक है, या उसकी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जो कि क्या कर सकते हैं, उससे वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ आपने मिमिक्री को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, प्रोटेक्टिव यानी कि जब रक्षा के लिए यूज की जाती है, वार्निंग किसी को वार्न करना यानी कि तरीके से सचेत करना, सिग्नल जैसे हमने पढ़ा था वार्निंग सिग्नल पढ़े थे। नेक्स्ट जो आता है अग्रेसिव मिमिक्री, अग्रेसिव जैसे अगर क्या होता है, आप सांप को पकड़ने जाते हैं, स्नेक को आप कैच करने जाते हैं, तो वो क्या करता है, हुंकार करता है। तो इस टाइप से जो चेंजेस पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, किसमें इंक्लूडेड करते हैं, मिमिक्री में इंक्लूडेड करते हैं। तो मिमिक्री का मीन्स क्या होगा, या तो किसी की अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का कलर चेंजेस करना, ठीक है। मिमिक्री किसमें हो सकती है, बॉडी फीचर्स में यानी कि बॉडी की कलर वेरिएशन में हो सकती है, बिहेव में हो सकती है, साथ के साथ क्या कर सकते हैं कि हम कह सकते हैं किसी की साउंड क्रिएशन में हो सकती है। सेम अगर साउंड क्रिएट किया जा रहा है तो उससे भी क्या होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड होती है। तो यहां मिमिक्री को हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिव मिमिक्री की बात कर रहे हैं, यानी कि रक्षी अनुहरण। तो रक्षी अनुहरण में क्या होता है कि एनिमल क्या करते हैं कि जो सेकेंड एनिमल होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का कलर रखते हैं। जैसे अगर कुछ अगर हम बात करते हैं, अगर हम फाइलियम की बात करते हैं, फाइलियम एक क्या कहा जाता है, लीफ इंसेक्ट है, ठीक है। फाइलियम को हम क्या कहते हैं, एक लीफ इंसेक्ट है, ये फाइलियम, इसको हम बोलते हैं लीफ इंसेक्ट या पर्ण की। तो इसको पर्ण की क्यों कहते हैं, जो फाइलियम होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बॉडी का कलर कैसा होता है, ग्रीनिश होता है, ठीक है, हरे रंग का इसकी बॉडी का कलर कैसा है, हरे रंग का होता है। साथ ही साथ इसकी बॉडी में क्या पाया जाता है, वेरिएशन प्रेजेंट होता है, वेरिएशन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं शिरा विन्यास, ठीक है, वेरिएशन प्रेजेंट होता है या हम क्या कहते हैं इसको शिरा विन्यास। यानी कि आप क्या होता है, सपोज करो ये लीफ है और लीफ में ये छोटी छोटी सी लाइनिंग्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, शिरा विन्यास या वेरिएशन कहते हैं। तो ये जो फाइलियम है तो कैसा है, तो इंसेक्ट है यानी कि स्मॉल साइज का होता है, कलर भी कैसा है, लीफ में जैसा ग्रीनिश होता है, साथ ही साथ इसकी बॉडी में क्या होते हैं, इस टाइप से वेरिएशन प्रेजेंट होती है जिससे कि ये क्या करता है, सिमिलरली लीफ के जैसा विजिबल होता है। तो हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि वेदर इट इज अ लीफ, वेदर इट इज अ इंसेक्ट, हम ये दोनों में डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, प्रोटेक्शन के लिए हो गया कि ये किसी भी एनिमल्स को जल्दी से दिखाई नहीं देता है, वेदर कि वो लीफ है या वो क्या है, एक इंसेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ जैसे अगर हम बात करते हैं क्रैब, कुछ जो समुद्र में रहने वाले क्रैब्स होते हैं उनकी बॉडी का कलर कैसा होता है, व्हाइटिश होता है, ठीक है, बॉडी का कलर ही कैसा है, व्हाइटिश। तो उनकी बॉडी का कलर कैसा हो गया, व्हाइट है। साथ ही साथ क्या करते हैं कि जो सी के एरिया में यानी कि जो उसकी सैंड एरिया है वहां पर जो स्टोन या पेबल्स पड़ रहे होते हैं, पत्थर होते हैं व्हाइट कलर के, उनकी जैसी बॉडी की स्ट्रक्चर का दिखता है। जब तक वो मूव नहीं कर लेता तब तक हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि वो एक क्रैब है या वो एक स्टोन है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी बॉडी में क्या हो गया, कलर के अकॉर्डिंग ये प्रोटेक्शन है कि हम उसको क्या समझ रहे हैं, वो एक क्रैब है लेकिन हम उसको स्टोन समझते हैं, तो उसने क्या कर लिया, खुद की प्रोटेक्शन कर ली है। तो इस टाइप से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम देखते हैं कि एनिमल क्या करते हैं, अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन यानी कि अपनी बॉडी में ऐसा कलर चेंजेस करते हैं। अब यहां पर क्या हो गया, उसको मिमिक्री हमने क्यों डिफाइन किया कि उस एनिमल बॉडी का कलर कैसा है, स्टोन के जैसा उसकी नकल है, सिमिलर है उससे, तो उसका क्या हो गया, नकल हो गया, मिमिक्री हो गई। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अ मिमिक्री, ठीक है, किसी की कॉपी है सो दैट इज अ मिमिक्री। और ये मिमिक्री किसके लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ प्रोटेक्टिव मिमिक्री। देखेंगे इसमें रक्षी अनुहरण लिखेंगे, जीव अपनी रक्षा करने के लिए, जीव अपनी रक्षा करने के लिए
जो परिवर्तन करता है परिस्थिति के आवास के अनुरूप, जो परिवर्तन करता है वह रक्षी अनुकरण के अंतर्गत आता है, वह रक्षी अनुकरण के अंतर्गत आता है। जिसमें प्राणी अपनी आकृति या व्यवहार में परिवर्तन करता है, जैसे क्रिप्टोलिथोडस वंश के केकड़े क्रैब, कंकड़ पत्थरों से इतने अधिक समान दिखते हैं समुद्र तट के पास पाए जाने वाले सफेद कंकड़ पत्थरों से इतने अधिक समान दिखते हैं कि इन्हें पहचानना मुश्किल होता है जब तक कि केकड़ा गति नहीं करता है। इस प्रकार केकड़े किसी निर्जीव वस्तु के अनुरूप अपने में अनुहरण करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे लाइन चेंज करके लिए प्रकार का अनुकरण फाइलियम
नेक्स्ट इसी में लिखेंगे हम, बहुत सारे एग्जांपल हैं तो अपने लिमिटेड एग्जांपल लिखते हैं। इसी प्रकार स्टिक की लंबा पतला वह भूरे रंग का कीट है। लंबा पतला भूरे रंग का कीट है। जब यह पादप के तने पर बैठता है, जब यह पादप के तने पर बैठता है तो इनमें विभेदन करना मुश्किल होता है। This include imitation, of organism to imitation of organism to For example,
insect, the leaf insect Phylum, and the stick insect Carassius. Leaf insect Phylum and stick insect Carassius. Examples of concealment. The former resembles green leaf. The former. Resembled. The former resembles green leaves and later are dry stick. Former resembles green leaf and later are dry stick. Later are dry stick. आज की क्लास यही कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में इसको यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।